मैंने सोच लिया है माँ, मुझे फौजी बनना है। क्या? नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना, तेरे बाबूजी भी अपने देश के लिए जान देकर हमें छोड़कर पहले ही चले गए। अब मैं तुझे नहीं, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माँ, जैसे तू मेरी माँ है, वैसे ये धरती भी मेरी माँ है। आज दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है माँ, अब जवाब देने की बारी हमारी है। आशीर्वाद दे माँ। अश्क न हो नैना, अश्क न हो। सेंचुरी मारी थी तब हम रोए थे क्या? हाँ। अब तू मत रो, पिछली बार वर्ल्ड कप नहीं चल रहा था बेटा। ओफो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। गेम है, गेम की तरह खेलो, रिलैक्स। सर, चिट्ठी आ गई सर। सर, चिट्ठी आई है। ये किसका है? सर, आपका है। मेरा? हाँ सर। बड़े दिनों के बाद घर से कोई पार्सल आया है। किसकी चिट्ठी है भाई?
चिट्ठी तो माँ की है। बुरा ना मानो तो हमें भी पढ़ के सुना। ठीक है, लिखती है मेरे प्यारे लड्डू लड्डू लड्डू। माँ भी ना हमारे बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं? पढ़ता हूँ। तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तू कब आएगा? तेरे लिए बेसन के लड्डू भेजे। वाह वाह, अकेले मत करना, उनको भी देना। और बस यार, आगे पढ़ नहीं पाऊंगा। तुम लोग मिठाई खाओ ना। अरे आओ आओ, मिठाई खाओ। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना। ले लड्डू खा। लड्डू? तुझे क्या लगा सारे लड्डू खत्म हो गए? तूने खा लड्डू? छक्के खाए यार। हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। शहीद हो गए तो मुझे तुम्हारी मिठाई बहुत याद आएगी। दोस्ती बहुत निभाली यार। अब फर्ज निभाने की बारी है। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा। क्या हुआ?
आज मेरा नहीं इस देश का बेटा शहीद हुआ है। मुझे गर्व है उस बेटे की माँ होने का जो देश के लिए कुर्बान हो गया। एक ऐसा बेटा जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को चैन की नींद सुलाने के लिए खुद रात भर जागा। एक ऐसा बेटा जिसने न जाने कितने दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। एक ऐसा बेटा जिसने मेरा व इस धरती का, अपनी दोनों माओं का सर फक्र से ऊंचा किया। तो क्या हुआ, जो मेरा एक बेटा कुर्बान हुआ वो जाते जाते अपनी माँ को कितने सारे बेटे दे गया। वो हर एक सिपाही जो अपने देश के लिए लड़ रहा है मेरा बेटा है, और मुझे अपने हिंदुस्तान के उस हर बेटे की माँ होने का फख्र है। जय हिंद। ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। ऊपर नीला आसमान है, नीचे खुली जमीन, बुलंद हौसले हैं और बेशुमार जिंदगी। तो क्यों अंतर है नामों में, हम क्यों बटे हैं मुल्कों में, जय देश कहे या जय जगत। जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय जगत।